वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एडवांस एक्सेल के अंदर डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने आप टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस में क्या काम होता है और वो क्या चीज़ है। डेटाबेस जो होती है वो आपकी एक बैकएंड वर्किंग होती है कि जिसमें आप अपना बहुत सा डाटा स्टोर कर लेते हैं, और अगर आपको उन्हीं डाटा स्टोर में से आपको स्पेसिफिक डाटा मालूम करना है कि कौन से डाटा का रिकॉर्ड कितना है, किस डेट की सेल है, कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, तो आप उसको डेटाबेस से कैसे निकालेंगे। तो आज हम एक फंक्शन यानी हमारा एक फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, उस फार्मूले के थ्रू आप अपने डेटाबेस से अपना डेटा रिक्वायर्ड मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपको डेटा नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास आइटम्स के नेम हैं और उनकी सेल मौजूद है, डेट किस किस डेट को क्या कितनी सेल हुई है, और उनकी जो हमारे पास टोटल अमाउंट है। अब आपको इतना डेटा जहाँ हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है कि ये एक तो शॉर्ट डेटा है, शॉर्ट डेटा हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, वरना आपके पास एक्सेल के अंदर जो डेटा बनते हैं वो हज़ारों में भी होते हैं और 10,000 में भी होंगे। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा और उतनी कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप इजीली अपने डेटा में कुछ भी फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। अब पहला काम आपको करना क्या है कि यहाँ से मैं एक हेडिंग्स जो मैंने इस तरीके से बनाई हुई है इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा, और फिलहाल किसी भी सेल के ऊपर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ। तो कहीं पे भी आपने इस तरीके से इसको पेस्ट करवा देने, तो साइड पे मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करवा दिए। अब मैं क्या काम करूँगा, इसी के नीचे एक रॉ सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर दे दूँगा ताकि मेरे पास एक कवर बन जाएगा कि आपका जो ये वाला सेक्शन है इसमें आइटम्स के नीचे हमने क्या एरिया सर्च करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इनको बॉर्डर दे दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब एक यहाँ पर आपने अमाउंट की हेडिंग डालनी है, और इसी तरीके से एक आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर सेल पे, इसी तरीके से इनको भी आपने यहाँ से बॉर्डर देना है और इसको भी आपने यहाँ से बॉर्डर देना है। अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों सेल्स के ऊपर अगर एक जैसी फॉर्मेटिंग रखनी है या अलग अलग करनी है आप कर सकते हैं। अगर एक जैसी करनी है एक ही वक्त में तो आप एक सेल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल दबा के रखें, कंट्रोल के साथ आप दूसरे सेल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोनों सेल सिलेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको यहाँ पर कलर फॉर्मेट बनाना है, और आप यहां से बना सकते हैं। तो मैंने इसका जो कलर फॉन्ट चेंज है वो चेंज कर दिया है, और फिल कलर चेंज कर दिया है, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये इस तरीके से फॉर्मेट तैयार है। अब मुझे अपने डेटाबेस में से ये देखना है कि जो आइटम मैं यहां सर्च करूं मुझे उसकी यहां पर टोटल अमाउंट मालूम हो जाए। तो टोटल अमाउंट कैसे मालूम होगी, उसके लिए हम यहां फार्मूला यूज करेंगे डी सम। डी सम आपका जो फार्मूला होगा वो डेटाबेस सम होगा। अब कैसे मालूम होगा, चलिए हम देखते हैं। यहां पर इक्वल लगाएंगे आप, सबसे पहले डी सम का फार्मूला यूज करेंगे। डेटाबेस में आपसे पूछेगा आप अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करें। डेटाबेस क्या होगा, ये आपका कंप्लीट टेबल, ये आपका डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद आपने यहां पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा फील्ड, आप अपने इस डेटाबेस में से किस फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैंने अमाउंट निकालना है, तो मैं यहां पर डबल कोटेशन के अंदर अमाउंट लिख दूंगा, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। अब यहां मुझसे पूछेगा क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया आप किस एरिया पे सर्च करेंगे। तो मैं इस पूरे कॉलम, इस पूरे रॉ को सेलेक्ट कर लूंगा जो मैंने एक एक्स्ट्रा रॉ नीचे हाईलाइट करवाई थी। तो हेडिंग के साथ इन नीचे वाले रॉ को भी इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो डी सम सिंपल फार्मूला था। अब इस डी सम के थ्रू आप अपना डेटाबेस कैसे निकालेंगे देखेंगे। एंटर करें इस फार्मूले को। अभी फाइनली यहां आपके पास टोटल बता रहा है, टोटल मतलब ये अमाउंट का पूरा टोटल आपको दिखा रहा है। कैसे, मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। अगर आप यहां पर सम का फॉर्मूला लगाते हैं और इन सब को सेलेक्ट करते हैं और आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो अभी देखें यहां पर आपके पास टोटल आ गया है। देखिए सेम टोटल आ रहा है,
अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी आइटम्स यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसका अमाउंट दिखाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर मिल्क, जो हमारे पास आइटम है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मिल्क और एंटर कर दिया, तो देखिए मेरे पास 450 बता रहे हैं। इसका मतलब एक हमारे पास मिल्क यहाँ पर है जिसकी 450 प्राइस है और इसके अलावा कहीं पे मिल्क नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर सोडा ये अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया 700 अमाउंट, यानी कि एक सोडा हमारे पास ये रहा 500 और एक सोडा हमारे पास ये रहा 200। तो इसने दोनों को हमें टोटल करके बता दिया कि आपकी इस वाली आइटम की जो अमाउंट है वो कितनी बन रही है, टोटल 17, यानी कि 700। अब देखें ये पूरे डेटाबेस में से आपकी जितनी प्रोडक्ट होगी जब आप सेलेक्ट करेंगे उन सब का टोटल निकाल के दे देगा। अब इस तरह हम सेल की बात कर लेते हैं कि आपके पास जो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा या आइटम होगा उसकी जो टोटल अमाउंट आ रही है तो उसकी कितनी सेल हुई है, यानी कितनी क्वांटिटी है, कितनी सेल है। तो यहां पर आपने उसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे, डी सम। डेटाबेस में आप सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट, आपका डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे और फील्ड के अंदर अब आप यहां फील्ड देंगे सेल, क्योंकि आप सेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। डबल कोटेशन बनाएं, यहां पर सेल लिखें, डबल कोटेशन क्लोज और कॉमा। अब आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आप क्या करेंगे, यहां पर आप इसी वाले सेल्स को, यानी कि जो हमने यहां पर एक रॉ एक्स्ट्रा यहां पर हमने हाईलाइट करवाई थी हेडिंग के साथ, आप ये पूरा क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहां 17, इसका मतलब है कि अगर आप सोडा देखते हैं तो 60 और इसके अलावा ये 10, तो 60 प्लस 10 आपके पास 70 आ रहे हैं। अब अगर आप यहां पर चेंज कर देते हैं अपना आइटम, अब आप कोई भी यहां पर जो है वो आइटम सेलेक्ट कर लें। अब जैसे मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है रेड बुल, तो देखें यहां पर हमारे पास अमाउंट आ चुकी है 1520 अमाउंट है, सेल कितनी हुई है 119। तो ये देखें अगर आप यहां पर देखें 50 ये आपके पास आ रही है और इसके अलावा अगर आप यहां देखते 80, तो 80 और 50 तो ये आपके पास हो जाएंगे 130, और 130 के बाद फिर यहां पर आपके पास आ रहे हैं यहां पर 20, तो 150 हो जाएगा, और फिर इसके बाद आ रहा आपके पास 40, तो 190, यानी कि टोटल आपने सेल कितनी की है 190 की, और 190 की जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है 1520। अब इस तरह आप यहां पर जो भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, अब आप सेलेक्ट कर लें यहां पर जैसे आपका है चॉकलेट, ये आपका आइटम है, एंटर, तो देखें आपके उस प्रोडक्ट की अमाउंट और उस प्रोडक्ट की सेल दोनों निकाल दिए। तो देखें इस तरीके से आपका डेटाबेस फंक्शन बनाया जाता है एक्सेल के अंदर, कि आप पूरे डेटाबेस में से अपने स्पेसिफिक डेटा को यहां पर मालूम कर सकते हैं, उसकी सेल, उसकी अमाउंट, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजमी बताएं, और ताकि आने वाली वीडियो के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। और तब तक प्रैक्टिस कीजिए इस क्लास की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।